हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आपके LLB फर्स्ट ईयर सेम फर्स्ट का जो पहला पेपर होता है ज्यूरिस फर्स्ट, ठीक है। उसके आज हम PREVI प्रीवियस पेपर कराने वाले हैं, और ये जो प्रीवियस पेपर होगा 2018 का होगा हमारा। प्रीवियस पेपरों का मतलब होता है हमारे, हम अगर पिछले 5 वर्ष के, पिछले 5 साल के प्रीवियस पेपर देखते हैं, यानी पिछले 5 साल के पेपर देखते हैं, तो हमें 60 से 80 नंबर का पेपर सेम टू सेम उन्हीं में से आके मिल जाता है, ठीक है। 60 से 80%। और क्या होता है, 5 साल से आगे अगर हम चाहते हैं तो क्या होता है कभी कभार, तो जैसे 6 ईयर 7 ईयर 8 ईयर के जो पिछले पेपर होते हैं, ये हूबहू सेम टू सेम यही कॉपी करके पूरा का पूरा पेपर नेक्स्ट ईयर में आगे आ जाता है हमारा। नेक्स्ट ईयर में सेम टू सेम आ जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल एक भी अक्षर का बदलाव नहीं होता। यूनिवर्सिटी उन्हीं पेपरों को सेम टू सेम ला के रख देती है, ठीक है, बस आगे पीछे ऊपर नीचे कर देती है, सेम टू सेम उन्हें ही को ला के रख देती है। तो इसलिए प्रीवियस पेपरों की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए प्रीवियस पेपरों को ज़्यादा देखना चाहिए। और मेरा भी उद्देश्य प्रीवियस पेपरों को देखने का, दिखाने का यही है कि आप प्रीवियस पेपरों को देखो और आप सेट करो अपने माइंड में कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और हम अपने पेपरों को सेट करना भी समझ जाएंगे, ठीक है ना। और क्या पता चले, मैं देखो 2014 से 2020 तक के आपको प्रीवियस पेपर कराने वाला हूँ, तो आप देखो 6-7 साल के आपके पास पेपर होने वाले हैं, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आपको सब बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और देखो वीडियो में चल रहे हैं, वीडियो में चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दो, जिससे आपको पता चले कि जब भी कोई वीडियो आए तुरंत आपको पता चले। और भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है, देखो सब्सक्राइब करने और लाइक करने का आपको कोई पैसा नहीं जाता है, नहीं आपको परेशानी होती है आपकी। अब बताओ LLB करना ही चाहते हो, LLB कर रहे हो, तो देखो आपको LLB वाले टॉपिकों से तो जुड़ा ही रहना है। तो और देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरा बस इतना तो हक बनता है कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब तो बहुत ज़्यादा करो बेटा, है ना। और कमेंट करके बताओ आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है और आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है ना। आज ये हमारा प्रीवियस पेपर का हो चुका है, हो जाएगा, और इससे पहले 2019 का भी मैं ऑलरेडी उस पर डाल चुका हूँ, इनसे पहले की वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ। चलते हैं, ज़्यादा टाइम लगा पाते हो। और देखो एक बात ध्यान रखना, आप LLB के स्टूडेंट हो, आप लॉयर बनने वाले हो, आप मजिस्ट्रेट जज बनने वाले हो, सरकारी वकील बनने वाले हो, आप इस छोटे से पेपर के, पेपर की पहली CD से ही आप अगर डर गए तो आप आगे कैसे चल पाओगे भाइयों। हमें लॉयर बनना है, या तो लॉयर, देखो आज मैं सपा कह रहा हूँ, अगर आपको डर लग रहा है तो आज ही छोड़ के अपने घर बैठ जाओ, किसी और चीज़ में, किसी और फील्ड में अपने हाथ आजमा लो। अगर लॉयर बनना है डर को निकाल के फेंक दो, क्योंकि हम डरे हुए व्यक्तियों की ताकत होते हैं, ना कि हम डर होते हैं खुद में, ठीक है ना। हम डरे व्यक्तियों की क्या होते हैं, ताकत। अरे हम लॉयर बनेंगे, मजिस्ट्रेट बनेंगे, सब हमारे आगे सामने आएंगे अपने डर को निकालने के लिए कि सर हमारे, हमें बचाइए, है नहीं, हमारे साथ ये हुआ है, गलत हुआ है, हमारी हेल्प करो। अगर हम पेपरों से डरेंगे तो हम सामने वाले क्लाइंट का क्या करेंगे, ठोस मजबूत होके जज्बे के साथ आगे बढ़ना है। जिम्मेदारी मेरी रही कि आपको किस तरीके से, किस रास्ते पर लेके जाना है, आपको LLB में अच्छे नंबर और किस तरीके से दिलाने हैं, उसकी जिम्मेदारी मेरी रही। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छे नंबर दिलाने वाला हूँ, ध्यान रख लेना। ज्यूरिस्प्रूडेंस सबसे हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन की मैंने वीडियो डाली है, उसके सारे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी इस पर डाल चुका हूँ, जो 2-4 क्वेश्चन रह गए हैं वो आज जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए चलते हैं अपने प्रीवियस पेपर की तरफ, ठीक है। देखो आपको पता है, अब से पहले टाइम नहीं गवाएंगे इसमें ज़्यादा, हमारा पेपर ए ब स 3 खंडों में विभक्त होता है। पहला है हमारा ए, देखो इसका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले क्या होता था 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते थे, 5 में से 3 करने होते थे और प्रत्येक हमारा 20 का होता था, 60 नंबर बैठते थे, ठीक है ना।
लेकिन अब 1.5 आवर का होगा, क्वेश्चन कम होंगे और अंकों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, पहले हम अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। इसके बारे में सभी वीडियो में बता चुका हूं। पहला क्वेश्चन है, सामंड एंड हॉलैंड के अनुसार विधि शास्त्र की परिभाषा दीजिए। आपके विचार में विधि शास्त्र की सबसे उपयुक्त तो परिभाषा क्या होगी? ठीक है, दूसरा है, कैल्सन के विशुद्ध विधि सिद्धांत की पूर्ण रूप से व्याख्या कीजिए। क्या यह कथन सत्य है कि इस सिद्धांत ने विधि की सूची हड्डियों को जोड़ा है, सूखी हड्डियों को छोड़ा है? सॉरी, दोबारा से रिवीजन रिपीट करता हूं जरा। कैल्सन के विशुद्ध विधि सिद्धांत की पूर्ण रूप से व्याख्या कीजिए। क्या यह कथन सत्य है कि इस सिद्धांत ने विधि की सूखी हड्डियों को छोड़ा है, जिसमें मांस और रक्त नहीं है जो उसको जीवन देते हैं? देखो, कैल्सन का ये मैं इंपोर्टेंट है करा चुका हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। जॉन ऑस्टिन के द्वारा दी गई विधि के आदेशात्मक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्या यह सिद्धांत भारतीय विधिक व्यवस्था के लिए उपयुक्त है? भाई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, निशान लगा लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, वीडियो डाल चुका हूं। सैबनी द्वारा दिए गए अंतरचेतना के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसकी आलोचना का भी विस्तार से व्याख्या कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, लिख लेना, आएगा जरूर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक समैकता के संबंध में ड्यूगेट के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, आगे चलते हैं इसी पे। खंड बे इसमें है, तीन क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक 10 नंबर का होता है, हमें 2 करने होते हैं और प्रत्येक 10 नंबर का होता है, तो 20 नंबर के। लेकिन अब पेपर 1.5 घंटे का होगा तो क्वेश्चनों की संख्या कम होगी और अंकों की संख्या ज्यादा होगी, हम उस पर गौर बाद में देंगे, पहले हम प्रीवियस पेपर पर ध्यान देते हैं। देखो, विधि शास्त्र कानून का नेत्र है, ध्यान रखना, ये वाला जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी 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 वेरी, इसके लिए जितना बोला जाए भाई इतना कम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाउंड द्वारा दिए गए सामाजिक अभियांत्रिकी की के सिद्धांत को बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बता चुका हूं इसकी मैंने, जो 6 क्वेश्चन है उनकी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने वीडियो डाल ली है, उनमें इन क्वेश्चनों के नाम हैं। विधि शास्त्र की यथार्थवादी विचारधारा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इतना नहीं है, लेकिन इसकी वीडियो मैंने अभी यूट्यूब पे अपलोड नहीं की है, लेकिन आज या कल में मैं इसकी वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, ध्यान रखना। लेकिन ये जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं यहाँ से, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी और वेरी इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना। आगे आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चनों पे। सर हेनरी मैन का योगदान, भाई इसके लिए तो जितना वेरी वेरी लगाऊं इतना ही कम है भाई, सर हेनरी मैन का योगदान, जितना भी वेरी वेरी लगाऊं इतना कम है, ध्यान रख लेना। अब आप देख लो ये कैसा क्वेश्चन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट में से है। ठीक है, आगे, जीवित कानून के सिद्धांत, तीसरा है प्राकृतिक विधि का सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है। विधि शास्त्र की उपयोगिता, आगे है विधि का मार्क्सवादी सिद्धांत। ठीक है ना, ये हो गया 2017 का प्रीवियस पेपर कंप्लीट, ये हो गया, ओह सॉरी 2018 का प्रीवियस पेपर कंप्लीट हो गया, 2018 का प्रीवियस पेपर जो कंप्लीट हो चुका है। और अब हम बात करेंगे आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो में भी मैं बता देता हूं। देखो, उस अगर आपकी नज़र वहां पे नहीं गई हो, नहीं पहुंच पाई हो, तो मैं यहां पे बता देता हूं। पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सर हेनरी मैन, दूसरा है सैबनी, तीसरा है जॉन ऑस्टिन, फोर्थ नंबर पे है सामंड, फिफ्थ पे है ड्यूगेट, और फिफ्थ पे है तुम्हारा वो, सिक्स्थ पे है कैल्सन। भाई इनको तो आप घुट्टी बना के रौंद रांद के जैसे भी है पी जाओ, घोट लो इनको तो, इन 6 क्वेश्चनों को तो घोट लो, मड़ोड़ दो इनको तो बुरी तरह से।
और जान थोड़ी सी बहुत अगर बच जाए अंदर कैपेसिटी हो तो। सातवां क्वेश्चन, प्राकृतिक विधि का सिद्धांत। प्राकृतिक विधि रोडोल्फ स्टेमलर, इनको स्टेमलर ये वाले घोट के भाई बुरी तरह से पी जाओ, और आपके मैं गारंटी दे रहा हूं 60 से 80 नंबर कंप्लीट, डन, बिल्कुल फिनिश। ज्यूरिस्प्रूडेंस का डर खत्म, और बहुत ही साधारण लैंग्वेज में मैं इन्हें करा चुका हूं, और एक वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस का पेपर कैसे लिखना है। वो वीडियो में ज्यूरिस्प्रूडेंस के एग्जाम से पहले आपका 24 फरवरी का एग्जाम है, 22 या 23 तारीख में उस वीडियो को डाल दूंगा। आपको सिर्फ इतना देखना है कि हमें पेपर किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोकिएगा, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो ला सकूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।